ये जख्मी किया मुझे पुलिस वालों ने, मुझे गिराया ये देखें, और ये डीएसपी इसमें बैठा हुआ है मंशात फरोश, मेरे साथ गलम गलोच किए इससे, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके हाथापाई भी किए इन्होंने? हाथापाई किया, मारा मुझे डीएसपी ने, आपके कपड़े गाड़ियां भी मारा है। बिल्कुल ये है, ये देखिए आप दिखाएं, ये और रास्ता रोक दिया भी हमारा रास्ता रोक दिया, जो सलीम आज बहुत बड़ा दहशत कर दी, ये आप देख सकते हैं। भट्टी थाने पहुंचे हैं कि इसलिए पहुंचे हैं, तो कल मेन डीएसपी फतेह मोहम्मद नाम है उसका, हमारी गाड़ी से उतारा है, उनको मारा है, उनके साथ बदतमीजी की है, उनको भी अगवा कर लिया है, हमें भी जख्मी किया है। ये देखे मुझे माँ बहन भी गाली दी है फतेह मोहम्मद ने, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए थाने आया। शानवाज भाई दिखाइएगा, ये कैसे लगी आप? फ्रैक्चर हो गया मेरे साथ। ये पुलिस ने किया आपके साथ? पुलिस ने। मकाम पर इनको मुंतकिल कर रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अगवा किया जा रहा है, ठोक ठोक कर देगा, ठोक है मेरे, ये नहीं लेके जा रहे हैं, और हमें इनकी मोबाइल देखे किस तरह चला रही है बदमाशों की तरह, अभी हुकूमत की बदमाशी है ये, अभी रिलीज ऑर्डर मिला था हमें, रिलीज ऑर्डर में मिला अब उन्हें उठा के लेके जाया जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, और ये इस तरह बदमाशों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। सही है, अपनी गाड़ी है, हम पापा को भी लेके लेने आए थे, रिलीज ऑर्डर उनका मिल गया था, और अभी सेंट्रल जेल से उन्हें बदमाशों की तरह अंदर से दोबारा उठा के लेके जाया जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, ये जा रही है, ये आप देख सकते हैं SHO अदील अभी लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, हमने अभी पीछे दिया हुआ इनकी दो तीन गाड़ियां हैं, वो आगे बदमाशों की तरह गाड़ियां जाम करे जा रही है हमारी, MNA फहीम आप देख सकते हैं वो लटके हुए, वो MNA फहीम खान लटके हुए हैं गाड़ी के ऊपर, और तब भी वो इस तरह भगा के, अब ये भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं क्या है, बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है इनकी, गर्दी कर रखी है ना, गाड़ी लगा।